माँ और कलाशी की राख उसमें है। अब महाडायन के बनने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो डॉल और वो बाल खत्म हो चुके हैं। ये हुआ कैसे? हाँ पिया, तुमने तो कहा था कि प्रथमायन का बाल उसकी बेटी तक पहुंचकर ही रहेगा। वो डॉल उस वन तक गई ही क्यों, जब उस वन में डायन की राख थी ही नहीं? आखिर इसमें है क्या? हमें उस गुड़िया के सामने दूसरी राख रखनी होगी, लेकिन वो राख भी प्रथमायन की बेटी की ही होनी चाहिए। प्रथमायन की बेटी? भाभी डायन, प्रथमायन की तो एक ही बेटी बची है ना, मतलब आप तो क्या चिता में जाने के लिए तैयार हो? आप जान देने जा रही हैं? चुप। मेरी एक चीज है जो पिया के पास है, हम उसकी राख बनाएंगे। कौन सी चीज? डाय नहीं राख। तुम्हें इसे राख बनाना होगा। जय हो मैया की। अंदर जो राख छुपाई है उसे बाहर निकालो, उसकी जगह ये रख दो। बताइए क्या करना है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, महाडायन बनने के लिए अपने वंश में से किसी बड़े की अनुमति की जरूरत है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अनुमति उसकी माँ की ही हो। मतलब? एक सेकंड अंश, मैं समझ गया। ये कहना चाह रही है कि ये वेत्री जी और कलाश्री से बड़ी है। इसका मतलब है कि महाडायन मोहना की आज्ञा से भी बन सकती है। मतलब मेरे बाल से। जैसे ही मेरा बाल इस राख को छुएगा, ये जलने लगेगा और उस राख से महाडायन बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें तो महाडायन को बनने से रोकना था ना। अविनाश जी, हम वो भी करेंगे। जैसे ही महाडायन बनने लगेगी, मैं स्वर्ण छड़ी से वेत्री जी और कलाश्री के जोड़ को तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत खतरा है। कैसा खतरा? इससे पहले कि बाल पूरी तरह जल जाए, आपको वेदश्री और कालाश्री में से वेदश्री को पहचानना होगा और कालाश्री को खत्म करना होगा। और अगर आप बाल के पूरी तरह जलने से पहले कालाश्री को खत्म नहीं कर पाए तो महाडायन पैदा हो जाएगी और हम छुटकी को हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं।
अंश। हे भगवान, दो तो भाभियाँ। अब क्या होगा? इनमें से एक कलश्री है। बाल के पूरे जलने से पहले आपको छुटकी को पहचानना होगा और कलश्री को मारना होगा। मैं वेदश्री हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकती है? मैं वेदश्री हूँ। नहीं नहीं, ये वेदश्री नहीं है, मैं वेदश्री हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये वेदश्री नहीं है, मैं वेदश्री हूँ। लेकिन हम इन दोनों में से पहचानेंगे कैसे कि असली भाभी कौन है? एसीपी होने के बाद आप ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं? अरे आपको तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि असली भाभी कौन सी है। अरे मेरे पास दो ही आंखें हैं, शक्तियां नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी से छुटकी को पहचानना होगा। अगर ये दोनों एक हो गई तो महाडायन बन जाएगी और फिर हम छुटकी को कभी नहीं बचा पाएंगे। अंश, तुम छुटकी को पहचानने में गलती नहीं कर सकते, जल्दी करो। अंश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। नहीं अंश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। ये तो दोनों डिट्टू टू डिट्टू सेम सेम है। शिखर जी, वेदश्री मैं हूँ ये नहीं। अब आप अपनी वेदश्री को नहीं पहचानेंगे। हाँ निशा जी, बताइए ना कौन है वेदश्री मेरी इसमें। अंश, वक्त निकला जा रहा है, तुम्ही को चुनना होगा। अंश, ध्यान से, हम माँ को नहीं खो सकते। ये तो क्या कर रहा है अंश, अपनी माँ को मारेगा। अंश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। अंश जल्दी करो वरना महाडायन बन जाएगी। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, अपने दिल की सुनो। अगर अंश ने वार नहीं किया तो भी हम छुटकी को खो देंगे। मुझे भरोसा है तुम सही चुनोगे। मोना, मेरे जाने के बाद मेरे अंश और मेरे परिवार का ध्यान रखना। तुमने अंश को जन्म दिया है लेकिन उसकी माँ कभी नहीं बनी। मेरे जाने के बाद अंश की माँ बनकर दिखाना। किसी को सौभाग्य नहीं मिलता अपने बेटे को सही साबित करने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देने का। मैंने तुझे मेरा खून माफ किया। अभी